हेलो एवरीवन, मैं इस्लामाबाद सुल्तान अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने मास्टर्स जो की है वो आईआईटी दिल्ली से की है। इसके अलावा सीएमएट, आईआईटी जेईई और आईआईटी गेट तीनों एग्जाम है काफी अच्छे मिक्स के साथ में क्लियर कर रखे हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको कि ये अपना टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस के सारे नोटिफिकेशन से मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों ये आपका प्लस का प्लेटफॉर्म है। प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको क्या मिलता है, लाइव क्लासेस मिलती हैं। अगर किसी दिन अगर आप लाइव क्लास को नहीं देख पाते हैं तो उस केस में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग आपके पास में क्या रहेगी, अवेलेबल नहीं है रहेगी। हाफ एन आवर के बाद में जब भी क्लास होती है उसके हाफ एन आवर के बाद में जो पीडीएफ होती है वो यहाँ पे जनरेट हो जाती है और उस पीडीएफ को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके वीकली टेस्ट होंगे। वीकली टेस्ट में आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय गिविंग टेस्ट। कोर्स स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों वो आपका पूरा का पूरा वेल मैनर में डिजाइंड है। मतलब आपको पहले से ही ये पता चल जाता है कि इस डेट पे ये वाला टीचर जो है इस चीज की क्लास लेने वाला है। उससे क्या होता है आपका, आपको पहले से ही अपना टाइम मैनेजमेंट करने का मौका मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अनलिमिटेड एक्सेस होती है। जो भी क्लास होती है उसकी वीडियो आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आपको जो लेक्चर जो भी आपके जितने भी टीचर, जैसे मान लीजिए जेएनके के डायरी में जितने भी टीचर पढ़ा रहे होंगे केमिस्ट्री में, उन सब की क्लासेस को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो जितने भी किसी भी बैच में आप चाहे एडमिशन ले लें, लेकिन आप सारे के सारे टीचर्स की क्लास को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। दोस्तों ये इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि फिलहाल अपना जो बैच है वो एक तो मार्वल बैच चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मार्वल बैच है ये आपका आईआईटी जैम का बैच है। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्गेनिक स्पेशल बैच भी चल रहा है, इसके लिए आईआईटी जैम के लिए। तो इन दोनों बैचेस में अगर आप जैम की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका यहाँ पे एक्सेल बैच भी चल रहा है। एक्सेल बैच जो है वो सीएसआईआर नेट का है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या पाएंगे कि बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सबकी क्लासेस को आप क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए टेस्ट सीरीज चल रही है, सी40 क्रैक जैम और BSC 50-50, ये टेस्ट सीरीज चल रही है फिलहाल। इन टेस्ट सीरीज को भी आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप अकेडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तीन टाइप के अकेडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन, जो स्टैंडर्ड है वो वाले आपके पास में होते हैं, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का। अगर आप 6 मंथ का बाई करेंगे तो वैल्यू जो होगी आपकी वो 10,125 होगी। 12 मंथ वाले में 12,375 होगी, मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज कर चुकी है, ठीक है। यहां से अगर आप चेक करोगे केवल 18,000 आपकी होगी 20 2 ईयर्स की। इसमें भी दोस्तों अगर आप ओल्ड टाइम कोड लगा लेते हैं ना तो ओल्ड टाइम कोड से आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये आपके पास में एवरी ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को क्या चलती है, टेस्ट सीरीज चलती है। इन टेस्ट सीरीज को भी आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। और जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको पता है कि आपकी रैंक जो है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। और यहाँ पे अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, इस लिंक को आप क्या कर लेंगे, इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, बार कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज के ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे कि अनअकैडमी के ऊपर स्पेशल क्लासेस होती हैं दोस्तों। क्या होती है, स्पेशल क्लासेस होती हैं जो बिल्कुल फ्री है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। आपको उसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अनअकैडमी की क्या करना है, ऐप जो है ना उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। गोल में आप आईआईटी जैम सेलेक्ट कर लेना, अगर आप सीएसआईआर नेट के हैं तो सीएसआईआर नेट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी आपका मन करे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ऑल टाइम कोड लगा देना, और जैसे ही आप ऑल टाइम कोड लगाओगे तो आपको सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाएंगी, एक्सेस हो जाएंगी। तो जरूर इन चीजों का आप क्या रखेंगे, ख्याल
आपको ये बताना है कि मेजर प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या बनने वाला है, मेजर प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या बनने वाला है। सब लोग इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके आंसर देंगे, सब लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके आंसर देंगे। चलिए तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। फिलहाल देखिए, इनिशियली जो आपको एक क्या दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है, और इस कंपाउंड के ऊपर क्या दे रखा है, H3O पॉजिटिव दे रखा है। फिर बोला जा रहा है यहां से कि X मेजर बन रहा है और Y कैसा बन रहा है आपका, माइनर बन रहा है। तो पहली बात तो दोस्तों ये क्वेश्चन फेल्किनान मॉडल का हो चुका है। कैसे फेल्किनान मॉडल का हो चुका है दोस्तों, क्योंकि इस वाले सेंटर के ऊपर जब मेथिल अटैक करेगा तो एक OH डोनेट होगा, एक हाइड्रोजन डोनेट होगा और एक मेथिल आएगा, तो एक कार्बन सेंटर डोनेट होने वाला है। इसके बगल वाला जो सेंटर है, ये कार्बन सेंटर होने की वजह से यहाँ पे स्टीरियो कैसे डायरेक्ट होगी, उसके बेसिस पे पहले हमें इसे सोचना पड़ेगा। तो आइए जरा बोर्ड पे देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि सी डबल बोन ओ एच कुछ इस टाइप से आपका ये पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको समझिएगा ध्यान से, अच्छे से समझना। मान लीजिए ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, जैसे ही मान लेना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके गॉट इट। चलिए जरा सीखते हैं इसको बनाना। मैं इसको क्या करता हूं, सीधा करता हूं, मैंने आपको फेल्किनान मॉडल, मैं फिर से बता रहा हूं, अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस के अंदर पूरी डिटेल में फेल्किनान मॉडल विद प्रैक्टिस विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ में यह कवर कर रखा है, तीन लेक्चर्स के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट है दोस्तों। तो जाके सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करना है और उसके अंदर आपको फिर सेकेंड काम क्या करना है, गोल सेलेक्ट करना है। गोल में IIT जैन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, और जैसे ही IIT जैन सेलेक्ट करोगे तो वहां से आप डायरेक्ट क्या पहुंच जाओगे, और फिर आप वहां पे सेलेक्ट करने के बाद ऑल टाइम कोड लगा देना। जैसे ही ऑल टाइम कोड लगाओगे तो आप डायरेक्ट सारी की सारी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर जाओगे, ठीक है। फिलहाल बोर्ड पे देखिएगा, सर्कल बनाइए, इसको अगर मैं सीधा करूंगा तो ये सी डबल बोन ओ न्यूमैन फॉर्म में इसको मैं सबसे पहले ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये ऐसे आएगा। अगर आप कभी भी मॉलिक्यूल को लेफ्ट में घुमाते हैं तो जो वेक्ट होता है ना वो आपका कैसा चला जाता है, लेफ्ट चला जाता है। जो डेप्थ होगा वो कैसा चला जाएगा, राइट चला जाएगा। जो पीएच है वो कैसा है, ऊपर की तरफ था तो एज इट इज ऊपर की तरफ बना देना। सबसे पहले आपको इसे क्या कर लेना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है न्यूमैन फॉर्म में। आप देखिए बल्कियस्ट ग्रुप, देखो फिलहाल मेटल तो चिलेटिंग है, मेटल तो चिलेटिंग है, लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, क्या इस सर्कल वाले कार्बन के ऊपर कोई हेट्रो एटम है क्या, नहीं। अगर हेट्रो एटम नहीं होगा तो फिर सिलेशन वाला जो कंसेप्ट है आपका वो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, यहां से हम लोग ये बोलेंगे जब आप इसको रोटेट करोगे तो जो बल्कियस ग्रुप है उसको तो परपेंडिकुलर बनाना है, लेकिन कैसे परपेंडिकुलर बनाना है, जिससे स्मॉलेस्ट एटम जो है ना आपका वो ऑक्सीजन से अवे हो। तो देखिए यहां पे पीएच आ जाए, ये जो हाइड्रोजन है वो घूम के इस वाली पोजीशन पे आ जाए और मेथिल घूम के ऊपर चला जाए। यहां पे क्या था आपका, सी डबल बोन ओ था, यहां पे क्या था, हाइड्रोजन था। ये परपेंडिकुलर फॉर्म यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर डालेंगे। उसके बाद में अगला काम क्या करना है दोस्तों आप लोगों को, इसके ऊपर आपने मेथिल डालना है। एनी नेगेटिव जो है वो इस डायरेक्शन से इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो सर्कल था, सर्कल के ऊपर पीएच था, मेथिल था, यहां हाइड्रोजन था। इस डायरेक्शन से एनी आ रहा है, ये बॉन्ड उधर खिसकेगा तो यहां पे OH आएगा और इस वाली पोजिशन पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ये प्रोडक्ट बनता हुआ आपका दिखाई दे जाएगा। आपको सिंपली ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप यहां पे क्या चेक कर लीजिए कि देखिए टॉप पे और बॉटम पे कौन आ रहा है, आपका पीएच और ओएच आ रहा है।
तो आप सिंपली इसको कितने से घुमा लें, 60 डिग्री का इसके ऊपर रोटेशन करवा दीजिए। जब आप 60 डिग्री का रोटेशन करवाओगे तो आफ्टर रोटेशन ये कंपाउंड कैसा बनेगा जरा ध्यान दीजिए। सर्कल यहां पे कौन आएगा, आपका पीएच था, यहां पे आपका मेथिल था, इस वाली पोजीशन के ऊपर कौन था, हाइड्रोजन था। आप जब इसको 60 डिग्री से घुमाओगे तो यहां पे आपका OH आ जाएगा, ये मेथिल थोड़ा सा ऊपर की तरफ घूमा तो यहां ME आ जाएगा और ये हाइड्रोजन घूम के इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को सीधा करूंगा तो इसका इंटर कन्वर्जन करना है दोस्तों हमें किसके अंदर, इसका इंटर कन्वर्जन फिशर में करना है। तो देखिए OH है आपका, इस वाली पोजिशन पे भी OH है, यहां पे भी नीचे OH है। इसका जो फ्रंट कार्बन होता है दोस्तों वो बॉटम पे जाएगा। उसके बाद में क्या चेक करना है, जब मैं इसको सीधा करूंगा तो दोनों एमी कैसे आ रहे हैं, मेरे लेफ्ट में लाई करेंगे, लेफ्ट में लाई करेंगे तो दोनों लेफ्ट में हो जाएंगे, हाइड्रोजन दोनों राइट में हो जाएंगे। तो पहला आंसर तो जो मेजर जाएगा आपका यहां से, मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा रहा होगा, सी रहा होगा। मेजर प्रोडक्ट आपका क्या रहा होगा, सी रहा होगा। आई बात समझ में, चलिए ये तो मुझे पी समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों। अगर मैं इससे अगली बात करूंगा तो अगले केस में क्या डाला गया है, TSCl पीरीडी में डाला गया है। जरा समझिएगा, इसी में समझा रहा हूं, आगे चल रहा हूं। TSCl अगर पीरीडी इसके ऊपर डाला है दोस्तों तो मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं, आप इसका देख लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है। ये लीजिए इस वाली पोजीशन के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पे आपका क्या था, हाइड्रोजन था, ये आपका सर्कल था। चेक कीजिए ये जो आपका OTS है दोस्तों, क्या ये OTS ग्रुप, सॉरी OH ग्रुप जो है वो पीरीडीन और TSCl की प्रेजेंस में TS OTS में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब मैं इसके ऊपर क्या डालूंगा, TSCl इन प्रेजेंस ऑफ पीरीडीन में डालूंगा तो ये यहां से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए सर्कल था, यहां पे आपका OTS आएगा, मेथिल था, हाइड्रोजन आ जाएगा। इस वाली पोजीशन पे पीएच रहा होगा, इस वाली पोजीशन पे मेथिल रहा होगा और इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाएगा। जरा एक बात चेक कीजिए, ये जो OTS ग्रुप है दोस्तों, क्या ये OTS ग्रुप और ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ में 180 का डायहाइड्रोजन रख रहे हैं। अगर ये 180 डिग्री का डायहेड्रल एंगल अगर रख रहा है दोस्तों तो फिर एक बात बताइएगा मुझे आप, क्या ये एंटी पेरिप्लेनर कहलाएंगे क्या? ऑब्वियसली यस, ये कैसे कहलाएंगे, एंटी पेरिप्लेनर कहलाएंगे। तो यहां से क्या करोगे आप, जब बेस स्ट्रॉन्ग बेस इसके ऊपर आप डालोगे तो NaOH जो है ना वो आगे प्रोटोन को पकड़ेगा, इसका जो सिग्मा स्टार रहा होगा इस सिग्मा स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी और OTS जो है वो आपका बाहर निकल जाएगा। जैसे ही OTS बाहर निकलेगा तो रिजल्टेंट बीच में जो दो कार्बन थे जो पहले सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे न्यूमैन में, वो क्या आ जाएंगे, यहां पे डबल बॉन्ड रखते हुए पाए जाएंगे। और अब देखो दोनों मेथिल कैसे दिखाई दे रहे हैं राइट में और पीएच और हाइड्रोजन कैसा दिखाई दे रहा है लेफ्ट में। इसका मतलब क्या होगा, पीएच और हाइड्रोजन दोनों कैसे होने चाहिए, सेम साइड होने चाहिए। तो फिर आपका सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल यहां पे क्या चला जाएगा, सही जवाब चला जाएगा। तो यहां पे सेकंड स्टेप में आपकी क्या होगी, E2 रिएक्शन होगी और पहले केस में आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा, पेल्किन आन मॉडल देखने को मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन था ना आपका, वो गेट के अंदर सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले फेल्किन आन मॉडल का यूज करते हुए दोस्तों उसने पहले क्या करवाया, मेजर प्रोडक्ट जनरेट करवाया, डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन करवाई और आफ्टर सिलेक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्ट उसने उसके अंदर एलिमिनेशन करवाया है। तो होपफुली आप सब लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर किसी को भी इस क्वेश्चन के अंदर समस्या है तो आप सब लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर तो क्वेश्चन आपके सामने, आपकी नजरों के सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है कि ऑप्टिकली प्योर सॉल्यूशन आपको दे रखा है, किसका, ट्रांस टू एसिटॉक्सी साइक्लोहेक्साइल टोसाइलेट ग्रुप का।
जब इसके ऊपर आप क्या डालोगे, एच ओ ए सी इन प्रेजेंस ऑफ ए सी ओ एच हीट कर दोगे, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा होगा, आइए जरा मैं समझाता हूं पूरी डिटेल में, बोर्ड पे देखिएगा। कह रहा है कि आपके पास में साइक्लोहेक्सेन है जी, बना ली साइक्लोहेक्सेन, इस साइक्लोहेक्सेन के ऊपर क्या लगा हुआ है आपका, ट्रांस ग्रुप लगा हुआ है। मान लीजिए इस वाली पोजीशन के ऊपर OAC लगा हुआ है और इस वाली पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, OTS ग्रुप लगा हुआ है। जो आपका टोसाइनेट ग्रुप है और जो आपका एसिटॉक्सी ग्रुप है, ये दोनों एक दूसरे के कैसे लगे हुए हैं दोस्तों, ट्रांस पोजीशन पे लगे हुए हैं। आपको थोड़ी थोड़ी एक बात समझ में आने लग गई होगी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम्पल है किसका, एनजीपी रिएक्शन का। तो यहां पे जरा आइए गौर से सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो कंपाउंड आपको गिवन है ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी आपको दे रखा है। इसका मतलब जो कंपाउंड दिया गया है वो रेस्मिक नहीं दिया गया है, वो ऑप्टिकली एक्टिव प्योर सब्सटेंस आपको क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। आइए जरा बोर्ड पे देखिएगा, इसको मैं किसके अंदर कन्वर्ट करता हूं दोस्तों, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर डालता हूं। कर लिया, ये वाली पोजीशन मेरी फर्स्ट है, ये पोजीशन मेरी सेकंड रही होगी, तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड और सी ए थ्री रहा होगा, और जो मेरी सेकंड पोजीशन है इसके ऊपर मेरा कौन सा ग्रुप रहा होगा, ओ टी एस ग्रुप रहा होगा दोस्तों। ऐसा ही होगा, एक वैद पे था और एक डैश पे था। अगर मैं दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसकी जो मेजर फॉर्म होती है ना वो कौन सी रही होगी आपके पास में, फ्लिप्ड फॉर्म। और बना के चेक कीजिए, जब आप इसके फ्लिप्ड फॉर्म बनाओगे तो ये जो एक्सियल था ये इक्वेटोरियल में चला जाएगा और ये जो एक्सियल था ये भी किसमें चला जाएगा, इक्वेटोरियल में चला जाएगा। जो आपके डाया इक्वेटोरियल फॉर्म होती है ना दोस्तों, उस डाया इक्वेटोरियल फॉर्म के अंदर कभी भी एनजीपी नहीं लग पाती है। एनजीपी केवल और केवल किसके अंदर, सॉरी डाया इक्वेटोरियल में नहीं लग पाती है, केवल और केवल डाया एक्सियल के केस में ही एनजीपी जो होती है वो ऑपरेट करती है, ना एक्सियल इक्वेटोरियल में। लिख लेना, एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल और डाया इक्वेटोरियल के अंदर नो एनजीपी, एनजीपी लगती ही नहीं है। एनजीपी केवल और केवल ऑपरेशनल होती है इन केस ऑफ डाया एक्सियल, केवल और केवल डाया एक्सियल के केस में आपकी क्या होती है, एनजीपी लग पाती है दोस्तों। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से हम लोग बोल देते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, फिलहाल आपकी नजरों के सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो इसमें ये आपका सिग्मा बॉन्ड रहा होगा और इस पोजीशन पे इसका क्या रहा होगा, सिग्मा चार रहा होगा। इस OAC में जो ये वाला ऑक्सीजन होता है वो इस सिग्मा चार में अटैक करता है और OTS ग्रुप को यहां से क्या करवा देगा, लीव करवा देगा। जैसे ही OTS ग्रुप बाहर निकलेगा तो कैसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, देखिए ऑक्सीजन था, सी था, डबल बॉन्ड ओ था, इस पोजीशन पे मेथिल था और यहां बॉन्ड बन जाएगा। इस वाली साइड के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिल जाएगा, ये फॉर्म आपको बनती हुई दिखाई देगी। इस ये वाली फॉर्म क्या करेगी, एक्सियल इक्वेटोरियल सेम ग्रुप है, अच्छे से क्या करेगी, फ्लिपिंग करेगी। तो देखिए जब अच्छे से फ्लिपिंग करेगी तो मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में दिखा देता हूं। नॉर्मल फॉर्म में कैसे, देखिए इन दोनों ही पोजीशन पे ये ऊपर की तरफ लगा हुआ है ना, बोलो यार, अगर ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो वेज के ऊपर क्या रहे होंगे, ऑक्सीजन रहे होंगे। अब ये ग्रुप जो है ऑक्सीजन जो है यहां से इसके साथ रेजोनेंस में रहा होगा और अगर रेजोनेंस में रहा होगा तो मैं क्या पॉजिटिव चार्ज को ऐसे दिखा दूं क्या, कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे रहा होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने यहां पर क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है दोस्तों। यहां से आगे क्या होने वाला है, इससे आगे आपका क्या देखने को मिलेगा, जरा बोर्ड पे देखिए, अब वेज पे है, डैश पे अटैक होने वाला है। तो एक बात बताओ, जब आपका OAC नेगेटिव जो है जब अटैक करने आएगा तो वो इस साइड के ऊपर भी अटैक कर सकता है और वो इस वाली साइड पे भी अटैक कर सकता है।
जिस पोजीशन से लिविंग ग्रुप बाहर निकला है अगर उस पोजीशन के ऊपर दोस्तों अटैक हो जाते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोल देंगे कि आपके पास में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो देखिए जब इस वाली साइड के ऊपर अटैक होंगे तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट कैसा बनेगा, डैश से आपका कौन आएगा ओएसी, तो वेज के ऊपर कौन चला जाएगा आपका ओएसी ग्रुप आ जाएगा, एक तो ये बनेगा। लेकिन एक बात बताओ, ये जरूरी थोड़ी ना है, प्रोडक्ट तो दोस्तों यहां से भी बन सकता है। अगर इस वाली साइड के ऊपर अटैक हो जाए तो जो सेकेंड प्रोडक्ट बनेगा वो डैश साइड से आएगा, बोलो यार एसएन टू होगी ना, और एसएन टू होगी तो क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो यार। तो यहाँ पे डैश के ऊपर ओएसी और वेज के ऊपर कौन आ जाएगा, ओएसी आ जाएगा। ये दोनों कंपाउंड जो बने हैं क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या दोस्तों? देखिए इसके फ्रंट में आप प्लेन लगाइए, अगर इसके फ्रंट में प्लेन लगाओगे तो वेज को डैश दिखेगा और डैश को वेज दिखेगा, ट्रांसफॉर्म है पीओएस होगी नहीं, तो हम लोग क्या बोल देंगे, एक पेयर ऑफ एनेंजियोमर आपके जनरेट हो जाएंगे। मिरर इमेज के साथ में नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, एनेंजियोमर बन जाएंगे। और अगर ये एनेंजियोमर बन चुके होंगे तो आप ही बताइए सॉल्यूशन क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या, आंसर होगा नहीं। प्रोडक्ट तो ट्रांस बनेगा लेकिन वो कैसा नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, वो सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा दोस्तों, रश्मिक कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, रश्मिक सॉल्यूशन दोस्तों कहलाएगा, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव सिस तो बनेगा ही, सिस तो ऐसे काट दीजिए, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ए ऑप्शन सही जाएगा। एक छोटी सी बात जरूर मेंशन कर लेना इस क्वेश्चन के अंदर आप सब लोग, कि अगर मान लीजिए आप इस कंपाउंड के ऊपर क्या डालते हैं, एथनॉल अगर डालते हैं, ETOH अगर डाल देते हैं, तो फिर इस पॉजिटिव चार्ज वाले सेंटर के ऊपर क्या हो जाता है आपका, कार्बोनिल के ऊपर, कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है, और अटैक के बाद आपको रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है दोस्तों वो इस टाइप का मिल जाएगा OET। This is your final product. आई नहीं है बात सुन में जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट कीजिए। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए क्या हो जाएगा दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, किसी को कोई समस्या हो तो पूछ डालिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बेहतरीन मजेदार, क्या ही बताऊं, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था, गेट वाले ने तगड़ा क्वेश्चन पूछा था दीजिए, ठीक है। जल्दी से आप सब लोग फटाफट कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका फटाफट सब लोग सही जवाब देने की ट्राई कीजिए। क्या कंपाउंड दिया गया है दोस्तों आपके पास में, 5-PTO-1.9-diol आपको दिया गया है और बोला जा रहा है एसिडिक मीडियम में यहाँ पे साइक्लाइजेशन किया जा रहा है, तो साइक्लाइजेशन के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों वो प्रोडक्ट इनमें से कौन सा वाला होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। एक बात बताइए, आप कमेंट कीजिए, अगर ये पायरोकेटल आपकी जनरेट हो रही है, वो प्रोडक्ट में बोल भी रहा है, तो देखो यहां से ये अटैक करेगा, यहां से ये अटैक करेगा और आपके पास में 6 मेंबर रिंग बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 मेंबर रिंग बनेगी। जो कंपाउंड आपके सामने बन के तैयार हुआ है दोस्तों वो क्या, आपको यहाँ पे बस इतना ही चेक करना है कि कौन से वाले केस में एनोमेरिक इफेक्ट लगेगा। अगर आपने एनोमेरिक इफेक्ट पढ़ा हो तो एनोमेरिक इफेक्ट की वजह से हमेशा क्या आती है, स्टेबिलिटीज आती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, देखिए अगर मान लीजिए आपको कुछ इस टाइप का कंपाउंड दे रखा है, इस वाली पोजीशन पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे सीएल दे रखा है, एक कंपाउंड और आपको दिया जा रहा है कुछ इस टाइप से, ऑक्सीजन है और यहाँ पे सीएल है, एक बात बताओ एक कहानी तो क्या बनेगी इस कंपाउंड के अंदर, कि इसका जो लोन पेयर होगा कुछ इस टाइप से, सीएल के पास भी लोन पेयर रहे होंगे, बोलो यार
तो यहाँ पे Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड का जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा CCl का, वो डाइपोल का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से जाएगा। बोलो यार, इस केस में डाइपोल का डायरेक्शन कुछ ऐसा जाएगा। तो इस रिजल्टेंट कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली एक सेम डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, मतलब इनके बीच में डायहेड्रल एंगल कितने का बनेगा, 60 डिग्री के आसपास। ठीक है, मतलब आप लोग ऐसा बोलोगे कि यहां पे डायहेड्रल एंगल तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, लोन पेयर के साथ बात कर रहा हूं मैं, सीएल का 60 का बनेगा, लेकिन यहां पे जब आप चेक करोगे तो डाइपोल इसके अंदर क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो है ऑक्सीजन इसमें डाइपोल इस तरफ होगा, नेगेटिव डेल पॉजिटिव, यहां पे डेल पॉजिटिव और यहां पे डेल नेगेटिव, इसमें नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगा। कोई भी दुनिया का बॉन्ड जो है वो नॉन प्लेनरिटी की, नॉन पोलैरिटी की तरफ जाना पसंद करता है कि नहीं करता है, करता है ना। अगर वो नॉन प्लेनर लो सॉरी लेस पोलैरिटी की तरफ जाएगा तो कैसा होगा, ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका मतलब दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें डाइपोल मोमेंट क्या है, इसमें आपका डाइपोल मोमेंट लेस है और ये डाइपोल मोमेंट में मोर है। तो एक तो आप डाइपोल मोमेंट के रिजल्ट आंसर दे सकते हो, दूसरा आप क्या बोल सकते हो कि इसका सिग्मा स्टार यहां कहीं रहा होगा तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, और जैसे ही डोनेट करेगा तो यहां से सीएल बाहर निकल जाएगा। जैसे ही सीएल बाहर निकलेगा तो यहां पे आपके पास में हाइपर कंजुगेटिंग फॉर्म्स जो है वो क्या हो जाएंगी, जनरेट हो जाएंगी, और जब हाइपर कंजुगेटिंग फॉर्म जनरेट होंगी तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, इसके अंदर आपकी क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब जरा चेक कीजिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो फिलहाल आप लोग क्या बोलोगे, आप सब लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, सब लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर आने वाला है इसका। देखिए, तो एनोमेरिक इफेक्ट यहां पे क्या हो रहा है आपका, ऑपरेशनल है। एनोमेरिक इफेक्ट यहां पे आपका क्या हो रहा है, ऑपरेशनल है। ओके, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इस कंपाउंड में चेक करूं, अगर मैं इस वाले कंपाउंड में अगर चेक करूं कि कौन से वाले केस में मैक्सिमम एनोमेरिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए इस रिंग के लिए समझिए ध्यान से, इस रिंग के लिए ये जो बॉन्ड है वो एक्सियल है, एक्सियल जो बॉन्ड होंगे वो एनोमेरिक दिखाएंगे। इस वाले रिंग के लिए भी ये एक्सियल है। ठीक है, यहां पे जब आप चेक करोगे देखो इस रिंग के ऊपर ये इक्विटोरियल होगा, ये एक्सियल होगा इधर। ठीक है, जब इस रिंग को चेक करोगे तो ये इक्विटोरियल होगा इस रिंग के लिए, इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब यहां चेक करो इस रिंग के लिए, देखो इस वाली रिंग के लिए ये ऑक्सीजन कैसा है आपका, इक्विटोरियल है, ये भी जवाब नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब एक ही आपका क्या दिखाई दे रहा है यहां पे, इक्वेटोरियल दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर मैं यहां पे चेक करूंगा तो इन केस में चेक करना, देखना बचे हुए में चेक करो, यहां पे ये एक्सियल आ चुका है तो अब ये वाला जो होगा दोस्तों तो कैसा जाएगा आपका, इक्वेटोरियल, ये कैसा जाएगा, इक्वेटोरियल जाएगा ना, इस वाले रिंग को जब सीधा करेंगे तो इक्वेटोरियल पे आएगा, मतलब यहां पे आपका एक क्या लगेगा, एनोमेरिक इफेक्ट लगेगा, ओनली वन एनोमेरिक इफेक्ट, एनोमेरिक एक ही रिंग एनोमेरिक इफेक्ट लगाएगी। इस केस में जब हम लोग चेक करेंगे तो यहां पे कितने एनोमेरिक इफेक्ट लगेंगे, जब आप इसको सीधा करोगे देखो ये आपका इक्वेटोरियल पे आ रहा है तो यहां एनोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा, ये वाले रिंग नहीं लगाएगी, लेकिन जब आप इस रिंग के रिस्पेक्ट में बात करोगे ना तो ये कैसा होगा, एक्सियल होगा, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एनोमेरिक इफेक्ट, एक बार ही आपको एनोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, यहां पे भी वन टाइम था। लेकिन इस केस में जब चेक करेंगे तो देखो यहां पे ये एक्सियल है इस रिंग के रिस्पेक्ट में, और जब मैं इस रिंग के रिस्पेक्ट में चेक करूंगा तो फिर से ये कैसा आएगा, एक्सियल आएगा। दोनों बार जब एक्सियल होगा तो उसमें स्ट्रोंग एनोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कमेंट करो। अगर स्ट्रोंग, अगर आपको क्या देखने को मिलेगा, एनोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, इसका मतलब हम लोग क्या बोल देंगे कि भैया ए जो है आपका वो करेक्ट करेक्ट जवाब जाने वाला है, ए जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। कितने लोग इस बात को समझ पाए, जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट करके बताएं।
जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। चले सब लोग फटाफट कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी नजरों के सामने, बोला जा रहा है दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये आपका, बोला जा रहा है, चलो इसका एक पार्ट कटा हुआ फिर भी आप समझेंगे इसको, क्या बोला जा रहा है, एक डबल मून स्पीसीज दे रखी है, इसके इसके ऊपर एक कंपाउंड डाला जा रहा है एक्स। जब मैं एक्स डालता हूं तो मेरे पास में एक्स डालने के बाद में अगर उसके ऊपर टीएससीएल पिरिडीन डाल दिया जाता है तो फिर आपके पास में कैसा प्रोडक्ट बन रहा है, ओटीएस आ रहा है और एक क्या था आपका ओएस, ऐसा प्रोडक्ट बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो जरा आप लोग बताएंगे, देखिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या आप CrO3 यूज कर सकते हैं, आंसर होगा नहीं ऑक्सीडाइजिंग, क्या आप NaIO4 यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते, MCPBA फॉलोड बाय NaOH, इपॉक्साइड बना के अगर OH का अटैक करवाओगे तो फिर स्टीरियो जो होगी वो कैसी चली जाएगी आपकी, ट्रांस चली जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे वेज पे CA3 है, वेज पे CA3 है, इपॉक्साइड बनाए, बोलो यार MCPBA क्या करता है, एल्कीन के ऊपर इपॉक्साइड बनाता है ना, और जब मैं OH नेगेटिव डालूंगा तो फिर यहाँ पे कैसा बनेगा आपका, ट्रांस स्टीरियो आपकी जनरेट हो जाएगी, OH और OH जो होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट लग जाएंगे। इसका मतलब ये भी आपका क्या नहीं हो सकता है, जवाब नहीं हो सकता है। तो फिर कौन जाएगा, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड जो है दोस्तों वो कैसे स्टीरियो बनाता है, सिर्फ स्टीरियो आपकी यहां पे जनरेट करेगा। अगर यूट्यूब के ऊपर कोई भी गलत कंटेंट अगर अनअकैडमी के टीचर्स या एजुकेटर्स की वजह से अगर पढ़ा दिया जाता है तो फिर आप उसकी शिकायत कर सकते हो दोस्तों, और उस केस में आपको कुछ ना कुछ प्राइज मिल जाएगा, साथ में आपको स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस देना होगा, ठीक है, तभी आपका वो माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये मेरी प्रोफाइल है, आप सब लोग इस प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जो भी इस प्रोफाइल को फॉलो करना चाहे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको प्रोफाइल का लिंक अगर नहीं मिल रहा है कहीं से तो सिंपली आप कहां पे जाएं, क्रोम पे जाएं, और क्रोम पे जाके आप क्या कर लेंगे, अनूप लांबा टाइप कर देना। जैसे ही आप अनूप लांबा टाइप करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल के ऊपर पहुंच जाएंगे और वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये अपना रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का चैनल है, आप सब लोग इस रेवोल्यूशन केमिस्ट्री वाले चैनल को फॉलो कर डालेंगे ताकि अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और आपको क्या मिलता रहे दोस्तों, जितनी भी वीडियोस हैं इस चैनल के ऊपर वो चैनल के ऊपर आपको YouTube वाले चैनल के ऊपर आपको वीडियोस, और इसका टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर लेंगे वहां पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर यूट्यूब पे ही नोटिफिकेशन चाहते हो तो फिर आप बेल आइकन को जरूर दबा डालें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके अलावा जो भी वीडियो आती है दोस्तों उसको लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आप अगर केमिस्ट्री बढ़ेगी तो हम सब बढ़ेंगे और केमिस्ट्री ग्रो करती रहनी चाहिए जी, ठीक है। इसलिए अपने दोस्तों के पास में जरूर वीडियो को शेयर करें जी, ठीक है। और यहां से क्या कर सकते हैं आप, PDF वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। तो रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल भी आप सब लोग क्या कर डालेंगे, फॉलो कर डालेंगे। होपफुली इस क्लास से रिलेटेड सारी डाउट्स आपकी क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। शाम को 7 बजे जरूर मिले, नेम रिएक्शन का आपका लेक्चर आ रहा है, उस नेम रिएक्शन के लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।